वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो जिन लोगों को मीठा खाना पसंद है उन लोगों के लिए रेसिपी बेस्ट है और बहुत ही ईजी है। मतलब कि आप घर की रखी हुई चीज़ों से बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल इन्ग्रीडियंट्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मार्केट में इजीली ना मिले। सो ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं घर में ये ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठे का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो थोड़े थोड़े दिन में मैं इस चीज़ को बनाती हूँ, मुझे पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। उम्मीद है कि आप सब लोगों को रेसिपी पसंद आएगी, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है वो पनीर ले रखा है, 250 ग्राम, और साथ ही मैंने नेस्ले मिल्क पाउडर का भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने पनीर को यहाँ जो है एकदम से तोड़ लिया अच्छे से, उसको बिल्कुल हमने चूरा कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले रही हूँ एक बड़ा कप मिल्क का लिया है मैंने। सो इस चीज़ का जो हम बना रहे हैं मीठा, तो इसको आप जलेबी के साथ जो रबड़ी डाल के खाते हैं ना, तो ये रबड़ी का भी काम करेगी, और अगर आपको बर्फ़ी बनानी है तो दोनों चीज़ें बन सकती हैं इसमें, उसका भी काम करेगी। सो यहाँ पर मैंने एक बड़ा कप मिल्क ले लिया है, उसके बाद यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी के डाले हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना मीठा पसंद करते हो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने दूध को अच्छे से पका लेना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमने इसमें फिर मैंने घी डाला, एवरीडे का नेस्ले का मिल्क पाउडर होता है, तो मैंने इसके अंदर 2 कप डाले हैं कम से कम, क्योंकि हमें जो था इसको थिक करना था और इसके लिए जो है इसकी बहुत ज़रूरत थी, इसके बिना नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पर 2 कप डाले हैं। इसके बाद इसको हमें मिक्स करना है और बस उसके थोड़ा सा पकने लगेगा ना, मिक्स हो जाएगा, वरना तो ये ना इसकी जो है ये जम जाता है। अगर ये मिक्स ना हो तो गर्म दूध में ही डालना, अगर आप ठंडे दूध में डाल दोगे ना तो ये मिक्स नहीं होगा, तो इसमें आपने उसको गर्म दूध में डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो पनीर रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और अब हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है ना, हमने बस इसको पकाना है। और अच्छा, मैं नॉन स्टिक फ्राई पैन का यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें ईजीली बन जाएगा और आपका जलेगा भी नहीं। सो आपने भी जब भी बनाओ तो नॉन स्टिक का ही यूज़ करना, ताकि ये ईजीली बने और आपको परेशानी ना हो, वरना तो ये जल जाएगा सारा। तो अब यहाँ पे देखो बहुत तेज़ तेज़ ना पकने लगा है दूध, तो इसको हमें अच्छे से पकाना है, और हमने इसको खूब अच्छे से पकाना है। देखो कितना अच्छे से पक गया है और गाढ़ा भी होने लगा है, थिक होने लगा है, और अब इसको देखते रहो पकता रहेगा। इसको अपने फोन से बार बार घुमाते रहना ताकि सही रहे, और बहुत मज़े का बनेगा, क्योंकि जब आप बार बार उसको चेक करते रहोगे, वरना अगर आपने देखना ही छोड़ दोगे तो लग जाएगा। सो यहाँ पे देखो, ये जो इस टाइम तो रबड़ी का काम करेगा, ये जो है ना इसमें दूध बिल्कुल कम हो गया और टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा आएगा इसके अंदर जब आप उसको खाओगे। तो यहाँ पे जो था हमारा तैयार हो चुका था एकदम से, और फिर मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है सेट करने के लिए। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप लिया था, आप जो मर्जी शेप का ले लो। गरम गरम डाला मैंने इसको, फिर मैंने इसको स्पून से सेट कर दिया, और जब ये सेट हो गया, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा थिक था, तो अगर आपने थोड़ा पतला रखा ना तो ये हल्का सा दूध छोड़ेगा अंदर से, और हो सकता है जमे ना, वैसे इसमें जम जाएगा थोड़ी देर में। तो मैंने इसको सेट करके जैसे प्लेट में निकाल लिया था, लेकिन मुझे लगा प्लेट सही नहीं है, छोटी लग रही थी, तो फिर मैंने दूसरे प्लेट में चेंज कर लिया, इसको दूसरे प्लेट में रख दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। ये देखो कितने अच्छे स्क्वायर शेप में जो है ये निकल गया है। इस टाइम ये गर्म था, तो मैंने इसको जो ड्राई फ्रूट डाल के स्पून से उसको सेट कर दिया था, और फिर मैंने इसको ठंडा रख दिया था। 2-3 घंटे में ये अच्छे से फ्रीज हो जाएगा, और उसके बाद हमने इसको कट के इसके जो है पीसेस कर लेंगे। देखो इतनी सफाई से इसके जो है पीस कट गए हैं, ना ही बिखर रहा है ना टूट रहा है, बहुत मज़े का था। सो ट्राई ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।